नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आज एक ऐसा विषय जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि ज्योतिष में नवग्रह बताए गए हैं जिसमें से राहु और केतु हमेशा ही वक्री चाल चलते हैं और सूर्य चंद्र कभी भी वक्री नहीं होते हैं। अर्थात सूर्य चंद्र राहु केतु के अलावा जो पांच ग्रह हैं जैसे कि मंगल बुध गुरु शुक्र एवं शनि, ये वक्री हो सकते हैं। इनमें से एक साथ पांचों ग्रह का वक्री होना बहुत रेयरेस्ट सिचुएशन होती है, लेकिन ये कभी कभी हो जाती है। मेरे एक स्टूडेंट हैं जो मुझसे एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, उनकी कुंडली में चार ग्रह वक्री हैं। अब ये चार ग्रह वक्री के रिजल्ट्स क्या रहेंगे और इसको कुंडली में कैसे देखा जाता है, ये आज मैं प्रयास करूंगा कि आप समझें कि एक से ज्यादा ग्रह के वक्री होने का किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। मित्रों, क्योंकि मैं नाड़ी ज्योतिष पढ़ाता हूं, मेरा विषय है, तो मैं नाड़ी ज्योतिष के अनुसार ही इसके बारे में आपसे बात करने का प्रयास करूं। देखिए कि नाड़ी में एक रूल है कि वक्री ग्रह अपने पिछले भाव पर भी 50% तक का प्रभाव रखता है। ये डॉक्टर बीवी रवन सर और आरजी राव सर के द्वारा जो बुक्स अवेलेबल हैं उसमें से हम सभी जने सीख सकते हैं। अर्थात कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो पिछले भाव पर भी अपना अधिकार रखता है और वहां से दृष्टियां और योग युति संबंध अपने पूर्णता वैसे ही बनाता है जो नाड़ी के रूल्स रहते हैं। अब हम हमेशा इस प्रकार से किसी भी ग्रह के वक्री होने पर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि अगर कोई ग्रह वक्री है तो वो पिछले भाव में भी अपना अधिकार रखता है। मैंने 5 वीडियो बनाए हैं वक्री ग्रहों के फलों के ऊपर, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं कि गुरु के वक्री होने पर क्या अर्थ निकालना चाहिए और शनि के वक्री होने पर क्या अर्थ निकालना चाहिए। इसी प्रकार शुक्र मंगल एवं बुध के वक्री होने पर किस प्रकार का हमारी पर्सनैलिटी और हमारे जीवन में क्या अंतर आता है। मूल रूप से किसी भी ग्रह के पिछले भाव में जाने का अर्थ है कि हमारे कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं जिन्हें हमें पीछे जाकर ठीक करना है। अर्थात जीवन के कुछ कार्यों को जाकर सही करके हम आगे बढ़ सकते हैं। पूर्व जन्मों में कुछ ऐसे कर्तव्य थे जिन्हें हम पूर्णता सही तरीके से निर्वाह नहीं कर पाए। इस जन्म में हमें उन कर्मों को ठीक कर उन संबंधों को सुधार कर उन संबंधों के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करके अपने जीवन से आगे बढ़ना है। जैसे शनि वक्री होने पर मैंने बताया है कि पीछे जाकर अपने जमीन को ठीक करके ही आगे जाकर वो बहुत बेहतर कर पाते हैं। जो जो व्यक्ति अपनी फाउंडेशन ठीक करता जाएगा अपने उस ग्रह के कारक तत्वों से संबंधित आने वाले जीवन में समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार से अगर बुध वक्री होता है तो कुछ लोग केयरलेस होते हैं, उनका पेपर्स के प्रति संभाल नहीं होता, तो उन्हें ये चीज़ें अपनी सुधार करके आगे बढ़ना होता है, एक्यूरेसी को बेहतर करना होता है। ऐसा मैंने वीडियोज़ में बताया है, आप डिटेल्स को समझने के लिए उन वीडियोज़ को जरूर देखें। अब एक ही कुंडली में 2, 3, 4 या 5 ग्रह वक्री हो जाएं तो ऐसे में उनके अधिकार, जैसे कि कोई भी ग्रह जिनकी हम बात कर रहे हैं इनके पास 2-2 राशियां सभी के पास हैं, तो वो कौन से भावों पर वो राशियां पड़ रही हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां पर वो 2 राशियां पड़ रही होंगी और एक से अधिक ग्रह वक्री होने पर ये जो वो भाव हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे। ये प्लैनेट्स वक्री होकर सभी प्लैनेट्स के साथ संबंध बनाने के कारण से उनकी कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहों से ज़्यादा भावों से संबंध बनता चला जाएगा। जब किसी भी ग्रह की 2 से ज़्यादा 5, 6, 7, 8
या 12 भावों तक का संबंध बन जाता है, तो उसको उन सभी 12 भावों के संबंधों के आधार पर उनसे जुड़े हुए सुख दुख और उनसे जुड़े हुए कारक तत्वों को, उस राशि और भाव के कारक तत्वों का सुख और दुख भोगना ही पड़ता है। जब एक से ज़्यादा ग्रह वक्री होंगे तो ऐसा संभव है कि कई बारी आपकी पूरी कुंडली आपस में कनेक्ट हो जाए, यानी कि सभी भावों से, सभी राशियों से ग्रहों का आपस में संबंध हो जाए। तो किसी भी दशा, अंतर दशा, गोचर, प्रोग्रेशन कुछ भी होगा, वो प्रभाव एक दूसरे का उसी समय समेट लेंगे। और ऐसे में उनके फलों में आप ये महसूस करेंगे कि एक एक्सट्रीम्स कभी पॉजिटिव या एक एक्सट्रीम कभी नेगेटिव की आएगी। इंसान को बार बार अपनी लाइफ में बैलेंसिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसे अपने को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, अपनी हिडन एनर्जीज को बाहर निकाल कर जो उसे करना चाहिए, बैलेंसिंग, लेवलिंग ऑफ फील्ड, जो जहाँ पर वो चल रहा है उसकी सही से समतल करने की ज़रूरत है उस ज़मीन को, और फिर आगे बढ़ना चाहिए। तो जिस कुंडली में सभी भावों का संबंध ग्रहों से, आपस में सभी ग्रहों से हो जाता है, तो वो जीवन भर हर प्रकार के सुख और दुख साथ साथ महसूस करते रहते हैं। अब यहाँ पर व्यक्ति की चंद्रमा की स्थिति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर चंद्रमा ऐसी कुंडली में सही स्थिति में है और नेगेटिव हाउसेस के लॉर्ड्स के साथ उसका संबंध नहीं बढ़ रहा, तो वो ग्रह उसको डैमेजिंग स्थितिस नहीं दे रहे हैं। कोई पॉजिटिव हाउसेस भी हो सकते हैं, केंद्र त्रिकोण के स्वामी भी हो सकते हैं, कुछ 6-8-12 के स्वामी हो सकते हैं ग्रह, तो ऐसे में मिक्स रिजल्ट्स हमेशा ही आते रहेंगे। लेकिन अगर चंद्रमा की स्थिति ठीक है और चंद्रमा मजबूत है, यानी कि अगर मैं सही बोलूं तो चंद्रमा सूर्य से दूर जाता हुआ 120 डिग्री और सूर्य के पास आता हुआ 120 डिग्री से दूर है, तो ऐसी दोनों स्थितियों में, यानी कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, पाप प्रभाव में नहीं होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर मानसिक रूप से प्रबल शक्तियां होती हैं और वो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को निश्चित रूप से झेल जाता है। अन्यथा जब चंद्रमा भी वीक होता है तो व्यक्ति समस्याओं के सामने उस प्रकार का व्यवहार नहीं कर पाता कि वो समस्याओं से निकल पाता है, तो उसका जीवन और कष्ट में और तकलीफ में हो जाता है। तो मैं ये निष्कर्ष आपके साथ निकालता हूँ कि जिस कुंडली में भी अगर एक से ज़्यादा ग्रह वक्री हैं, 2, 3, 4 या 5, वहाँ पर रिजल्ट्स मिक्स आएंगे और उनकी प्रिडिक्शन करना आसान नहीं है। ये दूसरी कुंडलियों से डबल ट्रिपल टाइम प्रिकॉशन लेकर ही प्रिडिक्शन करनी चाहिए, अन्यथा आपकी प्रिडिक्शन पूरी तरह गलत हो सकती है। जो आप महसूस करेंगे कि कई लोग आपको बोलते होंगे कि आपकी कुंडली में बहुत बढ़िया योग का समय आ गया, बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन व्यक्ति कहता है मेरे जीवन में तो संघर्ष बढ़ गया है। उसके पीछे का कारण यह है कि जिन जिन ग्रहों की दृष्टि, योग, युति और संबंध बन रहा है, वो ये समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना चाहिए। तो उनको ठीक करना चाहिए, जो नेगेटिव हाउसेस के लॉर्ड हैं उनकी रेमेडीज करनी चाहिए ताकि वो डैमेज ना कर सकें। ऐसे में उनके दान या आपको मंत्र जाप करने चाहिए। और जो आपके शुभ भावों के स्वामी हैं, उन ग्रहों को अधिक बल देने के लिए उनसे संबंधित चीज़ों के दान भी ले सकते हैं, उच्च ग्रहों के दान भी ले सकते हैं आप, यानी अपने नियर एंड डियर लोगों से कह सकते हैं इनसे जुड़ी हुई चीज़ें आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए। इसी के साथ साथ ऐसे ही समय में अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी कोई भी ग्रह वीक हो चुका है और उसके साथ साथ वो अन्य ग्रहों को भी और डैमेज कर रहा है, तो जहाँ से वीक वाले प्लैनेट को ठीक किए बगैर शुभ प्लैनेट के शुभ रिजल्ट्स आप नहीं ले पाएंगे, तो उन्हें पहले ठीक करें, फिर आपको ये समझने में देर नहीं लगेगी कि आपके रिजल्ट्स परिवर्तित होने शुरू हो गए हैं। मित्रों, कुछ उपाय हमें हमेशा ही करने चाहिए जिनका कोई भी कभी नेगेटिव असर नहीं होता है, जैसा कि हम
अपना नियम बनाकर ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या हम अपना नियमित रूप से जाकर शिव जी को जल दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम गायत्री मंत्र का जाप नियमित रूप से कर सकते हैं। संख्या आप स्वयं विचार करें, 21 मंत्र बोलने हैं, 31 बोलने हैं, 51 बोलने हैं या 108 बोलने हैं, यह आप अपनी इच्छा से तय कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी कुंडली में कम सूर्य एवं चंद्र से संबंधित समस्याओं का कम होना निश्चित रूप से कह सकते हैं। ये आत्मबल भी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। तो मित्रों, पर्टिकुलर चार्ट पे डिस्कशन किए बगैर मैं आपको कुछ एक कंडीशंस के ऊपर मैंने बात की है। आशा है कि बहुत सारे लोगों की कुंडली में एक से ज़्यादा जब ग्रह वक्री होते हैं तो उनके जीवन की उथल पुथल को समझने के लिए उन्हें ये बात अच्छी तरह से क्लियर होगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्हें किसी योग्य विद्वान व्यक्ति जिसको ज्योतिष की पूरी तरह समझ हो उससे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर ये समझना चाहिए कि उन्हें कैसे उपाय करने चाहिए जिससे कि उनके जीवन से संघर्ष और तकलीफें कंपैरेटिवली कम आएं। मैं जल्दी ही ऐसा ही एक बिल्कुल अलग टॉपिक आपके साथ लेके आ रहा हूँ जिसमें बहुत सारे ग्रह अगर कभी एक साथ युति बना के बैठ जाते हैं तो वो कुंडलियों पे विश्लेषण करना किस प्रकार से आसान या बहुत मुश्किल है, इस पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।